नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो पाकिस्तानी नरमे की काफ़ी सारी फोटोज़ काफ़ी सारी वीडियोज़ वायरल है, जिसमें आपको पास पास में टिंडे लगे हुए दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बूटा बड़ा है और सारे में टिंडों से भरा हुआ है। तो उस वैरायटी कौन सी है या फिर उसके बारे में क्या है भाई, उसका क्या कारण है कि इतना ज़्यादा फाड़ लगा हुआ है? दोस्तों क्या वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों जो आपको वायरल फोटोज़ दिख रही है, वायरल वीडियोज़ दिख रही है, उसका कारण है उसमें वो जो नरमा है वो है देसी नरमा। दोस्तों देसी नरमे में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर ना हो तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें बीमारी ज़्यादा लगती है। देसी नरमे का एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें फाड़ इतना नहीं गिरता जितना कि हमारे इंडिया में क्या है दोस्तों, बीटी नरमा बीजा जाता है ज़्यादा, और बीटी कहने का मतलब कह सकते हैं बीजी सेकंड। ये जो बीटी नरमा हमारे यहाँ इंडिया में जाए, बीटी नरमे में एक खासियत है, इसमें बीमारी कम लगती है, बट इसका क्या फाड़ कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर सही समय पर आप स्प्रे नहीं करते तो इसका फाड़ कंट्रोल नहीं होता। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ आती है किसानों में? सबसे बड़ी दिक्कत आती है हम क्या करते हैं, जब फाड़ गिरने लगता है उस समय स्प्रे करनी स्टार्ट करते हैं तो क्या काफ़ी ज़्यादा फाड़ गिर चुका होता है। अगर हम उससे पहले सही टाइमिंग सही समय पर स्प्रे करते तो फाड़ कंट्रोल हो जाए, बट देसी नरमे में उसके बजाय क्या होता है, उसके विपरीत होता है। उसमें क्या बीमारी कंट्रोल करनी होती है, बीमारी तो भाई जब आएगी उसके बाद ही स्प्रे करते हैं, बट उसमें क्या है कि आपको फाड़ जरने की शिकायत बहुत ही कम होती है, मतलब होती जरूर है, थोड़ी बहुत होती बट होती कम है। और दूसरा उसका फाड़ जरने का कारण भी मैं आपको बता दूँ, क्यों नहीं जड़ता। देसी नरमे की जड़ें गहरी होती हैं, उसको नमी की दिक्कत नहीं आती, मतलब पानी की दिक्कत नहीं आती, हर समय पौधे को अच्छी तरह से पोषण मिलता रहता है, उस वजह से वो फाड़ नहीं गिरता। समझ गए मेरे बात, जड़ें गहरी जाती हैं, गहराई में कभी भी आप मिट्टी खोदिएगा आपको नीचे नमी मिलती है, ठीक है, पानी लगाने के काफ़ी दिन बाद भी। तो वो क्या एक बेनिफिट होता है कि नमी अच्छी मिलती है, उसी कारण से वो फाड़ नहीं गिरता। पर बीटी नरमे में क्या होता है, जड़ें काफ़ी ऊंचाई पर होती है, ज़्यादा गहरी नहीं जाती, साइड में फैलती है। साइड में फैलने के कारण क्या, अगर थोड़ी सी पानी कमी आती है तो फाड़ गिरने लगता है, पोषण तत्वों की कमी आने लग जाती है तो वो फाड़ गिरने लग जाती है। यही सबसे बड़ा कारण होता है बीटी और देसी में। अगर आपके पास भी बीमारी दोस्तों, आप देसी नरमा ना बीजे, मैं मेरी राय बताता हूँ, देसी नरमा बीजने का सबसे बड़ा ये दिक्कत आती है कि बीमारी कंट्रोल कभी हो जाती तो कभी नहीं होती, बट फाड़ फिर भी कंट्रोल हो जाता, फिर भी कुछ पैदावार मिल जाए। बट अगर देसी नरमे में भाई दिक्कत आ गई, कहने मतलब आपके जो भी बीमारी आ गई, तो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ बताने जा, बीमारी की बात करूँ तो कौन सी बीमारी, ज़्यादातर सुंडी की दिक्कत आती है, सुंडी उसके नरमे को खा जाती है और ख़त्म कर देती है टिंडे को, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। बाकी बीटी नरमे के संबंध में आगे वीडियोस लाता रहूँगा और काफ़ी सारे वीडियोस बना भी चुका हूँ, और कैसे कैसे क्या क्या बातों का ध्यान रखिए रख सकते हैं सभी के बारे में आपको मैं डिटेल्स में अलग अलग वीडियोज़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।